समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी की राजधानी लखनऊ की जनता के साथ सियासी धोखे को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुविधा होनी चाहिए, इसलिए 700 गाड़ियों की पार्किंग की इंतजाम हुआ है। पुराना हेरिटेज हमारा लखनऊ का कैसे बच सके, ये हेरिटेज एरिया को बहुत सुंदर किया। केवल ये सरकार ये कर रही है, लाइट नहीं ऑन कर रही है। मैं खुद जब दिवाली के दिन गया था वहाँ पर हेरिटेज एरिया को देखने, मैंने चाहा कि शायद दिवाली के दिन रोशनी होगी, सब कुछ जगमग होगा, लेकिन इस सरकार ने दिवाली के दिन भी लाइट बंद कर रखी थी। गोमती पर पुल निर्माण होना, लाल पुल एक हमारी धरोहर थी, एक खूबसूरत उदाहरण था कि पुराने ज़माने में ऐसा पुल भी बन सकता है। समाजवादी सरकार ने वैसे ही का वैसा एक पुल का और निर्माण करा दिया। मुझे दुख हुआ कि आज अखबार में मैंने पढ़ा कि जो पिपरा घाट का पुल था गोमती में, उसमें बीजेपी की सरकार के लोगों ने बड़ा योगदान दिया है। इतना बड़ा झूठ कभी नहीं हो सकता है। बीजेपी ने तो केवल काम रोकने का काम किया था। मुझे याद है कि डिफेंस सेक्रेटरी उस समय आए थे, एक एक मिनट्स उस समय तय हो गया था। जिलाधिकारी को उस समय कह दिया गया था कि आप काम चालू कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा प्रेशर पड़ा था दिल्ली से कि काम शुरू होने के बाद काम रोक दिया गया। पिपरा घाट का गोमती पर पुल जो एक पिलर नहीं बन पाया था, आज 2 साल के बाद शायद पूरा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि इस काम को हम तेज़ी करना चाहते हैं। लखनऊ की ट्रैफिक की समस्या का समाधान के लिए समाजवादी सरकार ने जो फैसले लिए थे, जो कैनाल पर रोड बनाई थी, वो कैनाल पर रोड आज भी अधूरी है। पैसा नहीं 2 साल में दिया गया है, वो कैनाल रोड आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। खैर, अब देखना होगा कि अखिलेश के इन आरोपों पर भाजपा क्या पलटवार करती है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।